अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमें सेवा मिलेगी। अगर हम दूसरे के दर्द को समझेंगे तभी कोई हमारा दर्द बांटेगा। अगर हम दूसरे के सम्मान को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। ऐसे ही रामचरितमानस में एक प्रमाण मिला है। रावण है ना, इसका नाम रावण नहीं था, और वास्तव में रावण शब्द का अर्थ अगर कोई जान ले तो फिर से त्रेता हो जाएगा। इसका नाम था दशकंधर, दशग्रीव, दशानन। जब इसने चारों दिशाओं से लड़ते भिड़ते दसों दिशाओं पर विजय पा लिया, भ्रमण करता हुआ एक दिन कैलाश पर पहुंच गया। नंदीश्वर से मुलाकात तो होती है। अहंकार में डूबा हुआ रावण, अहम एको द्वितीय नास्ति भूतो च भविष्य, एक मैं दूसरा कोई नहीं, ना वर्तमान में है ना भविष्य में। आचार्य जाकर पहुंचता, इसका कोई अतिथि सत्कार नहीं हुआ। नंदी से उसने क्रूर होकर क्रोधित होकर कहा, क्रोध में आकर, अरे मूर्ख यहां कौन रहता है? नंदी ने कहा, यहां पर देवाधिदेव महेश्वर रहते हैं। देवाधिदेव महेश्वर। दशकंदर ने कहा, अतिथि परायणता जिसमें नहीं वही इंसान नहीं हो सकता। मैं दशकंधर, दशग्रीव, दशानन दसों दिशाओं में विजय पा करके आया, यहां अगर मुझे सम्मान नहीं मिला तो ये साधारण मानव नहीं हो सकता। तुमने इसे देवाधिदेव की उपाधि कैसे दे दी? तर्क हो जाता है। नंदी ने कहा, सुनो दशकंधर, सम्मान की इच्छा रखते हो तो सम्मान से जाना सकते, और प्रेम की इच्छा रखते हो तो अपने आप को मिटाना सीखो। मित्रता की इच्छा रखते हो तो पहले मित्रता को निभाना सीखो। प्रेम में वाणी सुनना चाहते हो तो वाणी में मधुरता लाओ। तुम्हें कोई अर्पण करे तो उससे पहले तुम समर्पण करो। फिर गर्व की बात हो गई। दशकंधर ने देवाधिदेव महेश्वर का नाम लिया। आचार्य वर, दशकंधर ने देवाधिदेव महेश्वर का नाम लिया तो नंदी को क्रोध आ गया कि सेवक को अपने स्वामी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जब सेवक ही स्वामी की निंदा करे तो दुर्गति उसका भगवान भी नहीं रोक सकता। जब सेवक ही स्वामी की दुर्गति निंदा अपमान करने लगे तो स्वामी का मौन सेवक को दुर्गति में जाने से नहीं रोक सकता। क्रोधात्मक नंदी ने दशकंधर से कहा, रे मूर्ख, किसके लिए कह रहा है तू? फिर लोग कह देते हैं ना कि मेरे गुरुजी में बड़ी ताकत है, मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, मेरे गुरुजी तो कर देते हैं तो सब हो जाता है, मेरे गुरुजी ये कर लेते हैं, वो व्यास जी बहुत अच्छे, ये व्यास जी बहुत भी, भाई व्यास सारे अच्छे हैं, सब भागवत का ही कथा करते हैं। लेकिन जिसके भागवत कथा से श्रवण करके आस पूरी हो जाए, जिसके कथा श्रवण के बाद जीवन में परिवर्तन आ जाए, वही व्यास सबसे अच्छा जो आपके जीवन में बदलाव ला दे। व्यास तो वही अच्छा है, कथा सुनने के बाद एक बहु सास को मां समझने लगे।
आनंद है, ये तो कोई मतलब नहीं ना। नंदी से और दसकंदर से संवाद हुआ, रावण दसकंदर ने क्रोध में आकर के व्यंग भाषा का प्रयोग किया है। आप आचार्य तुम्हारे लिए ज्यादा महत्व की बात है। रामायण में दसकंदर ने क्रोधातुर होकर नंदी को क्या कहा, अगर तेरे शिव में इतनी क्षमता थी तो तेरा मुंह बंदर जैसा क्यों बना दिया, व्यंग भाषा बोला है। नंदी ने कहा सुनो, अब अगर आप पूछ रहे हो कि मेरे प्रभु ने मुझे क्या दिया, तो दसकंदर सुन, मेरे प्रभु कामदेव से सुंदर स्वरूप दे रहे थे मुझे, लेकिन मुझे वो रूप स्वीकार नहीं जहां स्वामी और सेवक की समानता छीन हो जाए। मुझे बैठने के लिए मेरे स्वामी तो सोने का सिंहासन दे रहे थे, लेकिन मुझे वो आसन स्वीकार नहीं जहां से मेरे स्वामी की मर्यादा कम हो जाए। मुझे मेरे स्वामी जगत की सारी प्रतिभा दे रहे थे, लेकिन मुझे वो स्वरूप वो सम्मान नहीं चाहिए कि जहां मेरे स्वामी का अपमान सम्मान मर्यादा, ऐसे शब्द आए और गुरुत्व गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादा छीन हो जाए, ऐसा कोई भी पद प्रतिष्ठा सम्मान मुझे नहीं चाहिए। ठुकरा दिया मैंने, क्योंकि मुझे सदगुरु के चरणों में जगह चाहिए थी, सोने के सिंहासन में नहीं। और जो शिष्य गुरु चरणों में रहे तो गुरु उसे पहले ही पुजवा देता है, रोटी बाद में खावे लेकिन शिष्य को पहले खिला दे। कहते हैं लाइट वाले भाई साहब दया करो, लाइट तो आ गई। साउंड वाले चौधरी साहब कुछ तो करो। नंदी ने कहा चौधरी साहब आ जाओ, दसकंदर से कहा कि जो शिष्य गुरु के चरणों में बैठे गुरु से अपने से पहले पूजवा दे। तो सुन दसकंदर, मेरे महादेव ने जगत के अधिपति होते हुए भी, देवाधिदेव महेश्वर होते हुए भी, पालन करता संहार करता हुए भी मुझे इस लायक बना दिया कि शिव की पूजा बाद में और नंदी की पूजा पहले करवा दिया। एक गुरु और परमात्मा कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं। संसारी किसी को भोजन कराए तो पहले खुद के लिए रोटी बचा के कराए, लेकिन सन्यासी
दूसरे को भोजन करा के खुद भूखा सो जावे, इसे कहते हैं निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप संत। दशकंदर को क्रोध आ गया, बात ऐसी हो गई तिवारी जी कि हस्तपाद समाय तो दृश्य से पुरुषाकृत। एक चिड़िया ने बरसात के महीने में एक बंदर को देखा, कहने लगे भैया हस्तपाद समाय तो दृश्य से पुरुषाकृति हो, आपके हाथ पैर मानो के जैसे हैं, सुंदर इंसान लग रहे हो, बारिश में क्यों भूखते, घर तो बना लो, देखो मैं कितनी छोटी हूँ लेकिन मैंने घर बना के रखा है। बंदर ने कहा तो मुझे ज्ञान देगी तेरी तो ऐसी की तैसी, खुद तो गया उसका भी घर उजाड़ कर फेंक दिया। तो जमाना ऐसा आ गया है भैया, किसी को अच्छा बताओ तो बुरा सुनने को मिले। क्रोध में दशकंदर जाता है और कैलाश को उठा लेता है। शिव पार्वती बैठे हैं और जब शिव ने अपने दक्षिण पाद के अंगूठे से दबाया तब रावण चिल्लाने लगा त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। दशकंदर त्राहिमाम करने लगा, पुनः आया जटा के बीच दच्चुलम प्रपंच आकर शिव के शरणों में समर्पण किया, तांडव किया, स्तुति करी। और इतने में भी जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो अपना सिर काट काट के शिव को भेंट चढ़ाने लगा। तब शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा जा, तूने अपने पापों का प्रायश्चित करके रुदन किया है, रोया है, इसलिए आज से तेरा नाम रावण होगा। रावण का शाब्दिक अर्थ है अपने पापों का प्रायश्चित करके रुदन करने वाला। लेकिन आज तो पाप करके पापी नहीं मानते आपका, गलती करके नहीं मानते मैं गलत हूं। इतना ही नहीं, आज भी वो प्रमाण मिलता है। आप लोग तो गए कि नहीं गए कैलाश मानसरोवर, हमारे पास तो वहां की पूरी यात्रा ही बना के रखी हुई, बस मसूर पहाड़ से लेके वहां तक, और वो भी आज से 8 साल पहले। कैलाश मानसरोवर की एक एक जगह की छवि हमारे पास है। आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो राक्षस झील करके एक स्थान आता है मानसरोवर, जिसका पानी का वर्ण आज भी रक्त जैसा है। ये माना जाता है कि दशकंदर ने शिव को प्रसन्न करने के लिए वहीं तांडव किया था, नृत्य किया था, उसके पादाघातों से वो तालाब बन गया, इसीलिए उसका नाम आज भी राक्षस तालाब है और उसका पानी रक्त वर्ण है। और यही प्रमाण रामायण में आपको मिलता कि जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दशमास, कोई संपत्ति विभीषण नहीं हरषि दिए रघुनाथ। भगवान बलदाऊ कृष्ण ब्रज में पहुंच गए हैं, अब मामा के गांव में तो बच्चे ऐसे ही चंचल हो जाते हैं, माँ माँ दो माँ है ना, यानी दो माँ का प्रेम मिलता है, उसे कहते हैं माँ माँ। जहां दो माँ का प्रेम मिले वहां बच्चे तो थोड़े चंचल चपल हो ही जाते हैं। जा रहे हैं, बलदाऊ ने कहा भैया हमारे तो वस्त्र उस लायक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, पास में देखा तो धोबी घाट है। आचार्य जी कहे तो कोई बात नहीं, भांजा तो लेने के लिए होता है, दान मामा से मांग लेंगे, उन्हें क्या पता यहाँ मामा का कुछ अलग ही अभिप्राय होने वाला। जाकर के वहां पहुंचे, कहे धोबी मामा श्रीमत नारायण,
प्रणाम किया, वंदन किया। आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो राक्षस झील करके एक स्थान आता है।